Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर उन्हें कब्जा। मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा। जहां देखो वहां पर पंचर की दुकान लगाकर कब्जा। अरे जगह तो कब्जा हो रही है ये दिख रहा है। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते हैं। उन 370 किलो में 100 किलो ऐसे हैं जहां पर किसी फकीर की दरगाह या मस्जिद बन चुकी है। मेरे मित्रों, मैं आज एएसआई डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू उस किले पर भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हिंदू झंडा लेकर जाता है तो इस हिंदू के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। और वही मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है। यहाँ पर कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर, उससे पहले 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको साफ कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर हरा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। ये मैं हमारे देवेंद्र भैया जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। इनकी जमीन बचाने के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया वक्फ बोर्ड और उसको इंप्लीमेंट किया 95 में। लगभग मेरे मित्रों हमारे केवल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1 लाख एकड़ जमीन है। मेरे मित्रों कितनी? 1 लाख एकड़ जमीन। पुणे में 9,300 एकड़, नागपुर में 9,200 एकड़, नासिक में 8,400 एकड़, कोंडाना में 6,000 एकड़, अमरावती में 2,800 एकड़, संगली में 2,500 एकड़, ऐसे करके करके 1 लाख एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्ड वालों के पास है केवल महाराष्ट्र में। मेरे मित्रों अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें मेरे मित्रों तो पूरे भारत में लगभग 18 एकड़ यानी 18 लाख एकड़ जमीन एक डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मेरे मित्रों पूरे भारत में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे एकनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म किया जाए और जहां जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए हिंदुओं के लिए। जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर स्टेडियम बने जाए हिंदुओं के लिए, कॉलेज बने जाए हिंदुओं के लिए, अरे जिनको घर नहीं है उनके लिए घर बनाए जाए हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये जगह इनके बाप की नहीं है। मेरे मित्रों ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है। मेरे मित्रों अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है तो भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार अगर
इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लोग जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं। लोग जिहाद पर प्रतिबंध लगे, कानून बने महाराष्ट्र में, ये सरकार को चीख चीख कर महाराष्ट्र का हिंदू कह रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है। अरे आज हम दंगे की चोट पर कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे। लेकिन आज नहीं लगता है हमें कि हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, अब नहीं लगता है मेरे मित्रों। भले ही ये धर्म सभा है, लेकिन चुनाव की दृष्टि में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा हिंदू किस प्रकार से पट गया और लव जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्र। हमें सरकार की निंदा नहीं करना है, लेकिन हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है। और हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, उनको कहना है इस मंच के माध्यम से कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है, मुक्त करिए मलंगड़ को। शिंदे जी किसका डर है, किसका डर है? अरे हमारी सभाओं को रोका जा रहा है, किसका डर है? हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है, किसका डर है? हमें महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, किसका डर है? शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। जब बुलाओगे तब हम आपके पास आएंगे, जहां बोलोगे वहां जाएंगे, जिस क्षेत्र में बोलो उस क्षेत्र में जाकर रहकर आपके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। भले ही आपके आजू बाजू कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र का राज करेगा।